इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद है कविता रेड्डी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एहतजाज जिस तरह से आज ख्वातीन की जानिब से किया गया, उसमें उन्होंने शिरकत की। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल मैडम। जिस तरह से मुल्क एक गलत दिशा में जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या ये एहतजाज काफ़ी, यानी कि प्रोटेस्ट काफ़ी है, या और कुछ इससे बढ़कर होना चाहिए? नहीं, ये मुल्क तो दुर्दशा में जा ही रहा है, तो ये प्रोटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोटेस्ट पहले भी करना था हमको, हम चुप बैठे थे, अभी तक हम चुप बैठे थे। जो जो हो रहा था हम चुप बैठे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब पुलवामा में 350 केजेस RDX आए तक अपने देश के अंदर, वो कैसे आया अभी तक हमको पता नहीं चला। पुलवामा का अटैक कैसा हुआ वो अभी तक पता नहीं चला। वो कागज़ अभी अपना मोदी साहब नहीं दिखा रहे, तो हम क्यों कागज़ दिखाए उनको? लेकिन आप सवाल पूछने पर देश देश हाँ, नहीं कहा जाता। वही वो डर से हम बैठे थे। सो अब हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो है वो हमारा जो कर्तव्य है वो क्वेश्चन करना है। डेमोक्रेसी तभी रहेगा जब हम प्रश्न करेंगे। अभी तक हमने प्रश्न नहीं किया। हमें डर था, अरे ये बोलेंगे एंटी नेशनल, ये बोलेंगे अर्बन नक्सलेट्स, ये बोलेंगे नक्सलेट्स, ये बोलेंगे पाकिस्तानी। ये सोच सोच के हमारा दिमाग ख़राब करके रखे थे। अभी जो है वो खुला है, अभी वो जो दिमाग है खुल गया है, क्योंकि ये जो अंधा कानून है, काला कानून है, ये अपने संविधान के ऊपर एक मार कर रहा है। वो संविधान को बचाने के लिए हमको सबको काम करना पड़ेगा। वो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम जो है अभी इस देश में अपने संविधान की वजह से है, अपना अस्तित्व जो है ये संविधान की वजह से है। मैं भी अपना इक्वालिटी प्रूव करना चाहती हूँ ओनली थ्रू संविधान, माई कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके हिसाब से अभी ये संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा? हम हिंदू ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे, सब परेशानी से ये गुजरना पड़ेगा। ये लेकिन हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बाई हुक और क्रुक हम ये कानून ला कर ही रहेंगे, और जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली में NSA लगाया गया, और इसे ऐसा भी कहा जाता है कि NSA ये इमरजेंसी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिस तरह से लगाया, मतलब किसी को भी अरेस्ट करके डाल दिया जाता है। तो क्या ये इमरजेंसी लाकर इस तरह से लोगों को थोपने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आप गुजरात की जो सिचुएशन था 2002 में, वो अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा अभी ये देश में क्या कर रहे करके। हम चुप बैठे थे तब भी, जब 2002 हुआ तब भी हम चुप बैठे थे। उधर का एक्शन नहीं हुआ था, उसका जो रिजल्ट है हमें अभी 2020 में देख रहे हैं। जो गुजरात में हुआ था वही मॉडल अभी दिल्ली में ट्राई कर रहे हैं। ये मिलिट्री सेंट्रलाइजेशन को अलग मामला है, क्योंकि वो बहुत सारे उसका सपोर्ट में भी है, क्योंकि वो अलग मसला है, उसका कुछ इसमें लिंक नहीं है। पर हमें ये डेफिनेटली है कि इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, पर इमरजेंसी और इसका दो अलग अलग हिस्सा है, क्योंकि इमरजेंसी आइडियोलॉजिकल फाइट नहीं था। इंदिरा गांधी के ऊपर वो आइडियोलॉजिकल फाइट नहीं था, उनका जो सिर्फ हाँ JP आंदोलन वो आइडियोलॉजिकल फाइट नहीं था, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज के बारे में था। जो इमरजेंसी इंपोज किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज था, पर इधर क्या हो रहा है, ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, इनकी सोच से फाइट कर रहे हैं हम। जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना, उसके वो सोच के ऊपर हम फाइट कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज नहीं, ये चेंज करना चाहते हैं। मिसयूज और चेंज में बहुत फर्क है। वो करेक्शन हो गया पर ये करेक्ट नहीं होगा। अभी एक बार ये चेंज हो गया तो करेक्शन कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, वो आइडियोलॉजिकल फाइट नहीं था। ये फर्क है इमरजेंसी और इस सिचुएशन में, पर एज इट इज ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। लेकिन गांधी की जगह गोडसे को बढ़ावा दिया जा रहा है, सावरकर की टू नेशन थ्योरी इन्हीं की तरफ से आई हुई है, तो ये बिल्कुल उस तरफ ही जा रहा है। अब उस JP के टाइम पे तो JP एक आंदोलन था, यहाँ पर तो कोई लीडर भी नहीं है, विदाउट लीडर अभी ये पूरा एक प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा नेशनल लेवल पे। ये कैसे सक्सेस हो रहा है? ये तो तय है कि वो गोडसे और सावरकर के जो टू नेशन थियरी है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सोच में और इनकी सोच में कुछ फर्क नहीं है। जो पाकिस्तान ने सोच के गया था, जिन्ना ने जो सोच के गया था, वो इम्पोज करना चाहते हैं, जिसको एक को हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बना। सो ये उनके औलाद है, ये सावरकर के औलाद है, गोडसे के औलाद है, जिन्ना के औलाद है। हम तो बापू के औलाद है, और नो अम्बेडकर के औलाद है, नेहरू के औलाद है, तो उसमें बहुत बहुत फर्क है। तो जो दूसरी बात ने आप जो मेंशन किया था JP आंदोलन का, वो जो लीडरलेस है वो अच्छा ही है, क्योंकि ये मूवमेंट जो है ये स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था, ये विमेन लोगों ने, औरत महिला लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें लीडरलेस की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा मास मूवमेंट हो चुका है। ये मास मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि ये
पीपल मूवमेंट जो है वो अपनी अपनी हिसाब से चला रहे हैं, ये अच्छा ही है, बहुत अच्छा है कि इसमें लीडर्स नहीं है, क्योंकि अभी लीडर्स ऊपर के आ रहे हैं, सभी समुदाय से सभी जगह से अपना खुद का लीडरशिप दिखा रहे हैं। आपने सोचा होगा जो जामिया में जो दो बच्चियां थी वो अभी उनका लीडरशिप देखिए, जो जेएनयू में जो जो छात्र उसका इंजरी हुआ था वो भी एक लीडर है, कन्हैया कुमार भी एक लीडर है, चंद्रशेखर आजाद भी एक लीडर है, सेंथिल भी एक लीडर है, कन्नन भी एक लीडर है, बहुत सारे लीडर्स अपनी लोकल लेवल से उभर के आ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग भी जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है बट फिर भी वो अपना खुद का जो अस्तित्व है वो पहचान जो है वो पहचान अभी बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में देखा मैडम कि किस तरह से एक पुलिस बर्बरियत लोगों पर ढाई गई और जामिया के स्टूडेंट्स पे, जेएनयू के स्टूडेंट्स पे, और वो वर्दी के अंदर जो आरएसएस के गुंडे छिपे हुए थे इन पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पुलवामा किसने किया किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया, वो जो दो लोगों को 26 जनवरी के लिए दिल्ली छोड़ने जा रहा था, तो ये किस दिशा में जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि इन्होंने अपनी पुलिस फोर्स में ये सोच बैठ चुका है, जो ये एंटी माइनॉरिटीज़म है वो अपनी पुलिस फोर्स में है, बहुत साल से है, वो अभी जो यूपी में जो हुआ है वो अभी उभर के आया है, वो पहले से ही था, आप जिधर भी देखो वो पहले से ही था, पर वो ठीक करने का जो काम था बहुत मुस्लिम कम्युनिटी का और वेजल गवर्नमेंट का वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो वो पुलिस फोर्स में वो नेगेटिविटी जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत साल से है, मैं भी उससे पहचानती हूँ, मैं भी देख चुकी हूँ बहुत सारे जगह पे ऐसा है, पर उसको बदलने की ज़रूरत है, वो बदलने का ज़रूरत कैसे होगा क्योंकि उधर रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ, पुलिस फोर्स में रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ, रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो क्या बदलेंगे कैसे, जो ये लोग जो बैठे हैं उसको रिफॉर्म्स में लाना पड़ेगा, वो रिफॉर्म्स नहीं हुआ तो वो नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि मोहतरमा कविता रेड्डी ने किस बेबाकी के साथ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह।